देसी लाइफस्टाइल, मैं हूं आपका होस्ट जैन खान। हमारा कुछ सेशन है इस तरह का कि आज एक दोस्त की तरफ मिलने जा रहे हैं हम, तो कभी फिर इरादा है कि अब उस दोस्त की तरफ मिलने जाया जाए और उनसे फिर खूब गपशप की जाए, फिर आपको वो गपशप के देसी मनाजर दिखाए जाएँ। तो क्योंकि वो गाँव के दोस्त हैं, तो एक गाँव की लाइफ का मंजर, उनका गाँव का सादा सा डेरा और उस सादगी के माहौल में वो प्यार भरी बातें, तो वो सारा चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी। चलें अब हम उनकी तरफ चलते हैं और अपना सफ़र का आगाज़ भी करते हैं। अभी मैं बिल्कुल रेडी बैठा था जाने के लिए, तो अब हम उनकी तरफ चलते हैं। हम बहुत ज़बरदस्त है, दरख्त के पत्ते हिलते आप देख सकते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर है माशाल्लाह। हम अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है जी, फी मान अल्लाह, इंशाल्लाह फिर आपको रास्ते के व्यूज़ दिखा। एक आता है जी सुनहरी बंगला, दौरे माजी की एक बेहतरीन याद। यहाँ इन बंगलों के ज़रिए अंग्रेज़ और पुराने वक्तों के बादशाह अपने खतूत एक जगह से दूसरी जगह और हुकूमतों में नए कानून नाफिज किया करते थे। आज ये जानवरों का बसेरा और खंडरात का मंज़र है और यहाँ जानवरों की आबादगाहें हैं। ये थोड़ा सा साथ सरकारी लैंड्स हैं जो मकामी लोगों ने आबाद कर रखे हैं। तो ये बड़ी एक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनका नाम है सुनहरी बंगला, ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ। अली रजा भाई के डेरे पे पहुँच गए हैं और मुझे लगता है वो सामने हमारा इंतज़ार ही कर रहे हैं बैठ कर। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? तबीयत से ठीक है? बैठो जी। मैं आज उस्ताद को चलिए गप्पा शप्पा कोटे आइए। मौसम यार बड़ा ज़बरदस्त है, मैं क्या चलने हैं उस्ताद को। मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त था। ये जी हम आ गए हैं माइया भाई के डेरे पे। ये जी हमारे अली रजा माइया भाई हैं, ये उनके जानवर खड़े हैं, ये उनका नहायत ही कीमती और नायाब घोड़ा। अभी तो ये छोटा है लेकिन माशाल्लाह बहुत तंदुरुस्त है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी हम फिर गपशप लगाते हैं, बाद में फिर आपसे बात करते हैं। अभी माइया भाई गए हैं अपने घर पानी शानी लाने। इस पे सवारी नहीं स्टार्ट की लेकिन इसको चला के आपको वीडियो दिखाएंगे। और सवारी के दूसरे घोड़े हैं वो दूसरी तरफ बांधे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक शॉट। लेकिन आज हम थके हुए हैं, आज उनके उन्होंने तो कहा है कि सवारी करते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, मौसम भी अच्छा है लेकिन सवारी का थकावट है थोड़ी सी, तो आज नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी आपको घुड़सवारी की वीडियो भी दिखाएंगे। अब हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आमिर भाई कोल्ड ड्रिंक दिखाओ। 30 मिनट्स लेटर। ये जी सारे दोस्त है बाब आए हुए हैं। और वो उधर भाई घोड़ा लेके आ रहे हैं, घुड़सवारी करने लगे हैं दोस्त है बाब। ये जी आप घुड़सवारी का मुजाहिरा करवा रहे हैं हमारे राइडर साहब। रजा भाई सवार कराओ दोस्त नू।
ये गाधी साहब घोड़े पे सवार हो गए हैं। माया भाई कितनी टिकट है घोड़े पे सवारी करने की? एक बंदे की सवारी की कितनी टिकट है? हमने भी सवारी करनी है बताएं। ये टिकट होल्डर है भाई जान, 100 रुपये उस्ताद होना रखे है। ठीक है हुन जी, मेरे कुल 100 रुपया ना हो, अगर मेरे पास 100 रुपया भी ना हो तो मैं सवारी कैसे कर, उधार हो जाएगा। ये जी दे सुन ले, आमिर भाई कह रहे हैं कि अगर पैसे ना हो तो हम दोस्त भाई का शर्म अया करते हैं, हम उसके साथ उधार भी कर लेते होते हैं, कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं। जी आज ना जाते हुए भी हमने हॉर्स राइडिंग की है, बड़ा मज़ा आया, बहुत लंबे टाइम के बाद घुड़सवारी की है, तो बहुत जनाब मज़ा आया, इंशाल्लाह आपको भी वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। तो ये जी हमारा घोड़ा है, इसका नाम है अनमोल, और हमारे कैमरा मैन है रजा भाई, तो रजा भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं। घोड़ा बड़ा बेसब्रा हुआ खड़ा वाक के लिए क्योंकि गर्मी भी बहुत है, तो अभी फिर हम उसको अलविदा कहते हैं और फिर बाद में आपको गपशप दिखाते हैं। अब डेरे पे वापस पहुंच चुके हैं, अब हम चलते हैं और ये देखें मेरे इस्तकबाल के लिए मेरा चीफ सिक्योरिटी भी खड़ा। टाइगर इधर आओ, ये जी हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी भी आपको इंशाल्लाह कल परसों वीडियो बना के दिखाएंगे। तो ये इस्तकबाल के साथ अंदर जा चुके हैं, आगे आगे हमें इस्तकबाल दिया जाता है टाइगर की तरफ से। अभी जी घर जाना है इंशाल्लाह, तो इसी के साथ आज के सेशन का इख्तिताम होता है। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।